नमस्कार दोस्तों, शगुन मॉम्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ग्रेटेड मैंगो पिकल। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो हमने इस तरीके से 1 kg आम लिया है और इसे हमने अच्छे से धोकर सुखा लिया है। फिर हम इसके सर पे कुछ इस तरीके से कट लगा के निकाल लेंगे। तो हमने सारे आम का इस तरीके से टॉप ऑफ हेड निकाल लिया है। तो इसे इस तरीके से पील करेंगे, मतलब इस तरीके से छिलौटे से छील लेंगे। तो आप इस तरीके से सारे स्किन इसके निकाल लीजिएगा, जितने भी मोटे वाले स्किन होते हैं आम की उसे निकाल लेना है। तो मैंने इस तरीके से सारे आम के छिलके निकाल लिए हैं। छिलकों को मैं अलग कर लूँगी, आम को ले लूँगी। आम को छिलने के बाद बिल्कुल भी ना धोइएगा, इसमें ज़रा भी पानी नहीं लगना चाहिए। तो इसी में साइड करती हूँ। मैंने एक बाउल लिया है, बाउल के साथ में एक ग्रेटर ले लिया है। मैंने मोटे छेदे वाले ग्रेटर लिए हैं। तो इसमें मैं इस तरीके से आम को ग्रेट कर लूँगी अच्छे से। करीब इसमें वक्त लगता है थोड़ा सा, तो मैंने इसे आस्ते आस्ते करके सारे आम को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो ये हमारा हो चुका है। थोड़ा केयरफुली आप कीजिएगा, आपके हाथों में ना लगे, क्योंकि इस ग्रेटर से क्या होता है ना, लग जाता है हाथों में। तो मैंने बड़ी सावधानी के साथ इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो मैंने सारा ग्रेटर में से आम निकाल लिया है और अब मैं गुठलियों को भी हटा दूँगी, अलग कर दूँगी, क्योंकि गुठलियों का अचार में कोई काम नहीं है। तो चलते हैं अब हम इसे बनाने के प्रोसेस में। तो हमने एक कढ़ाई ले ली है। जब कढ़ाई हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे और सरसों का तेल को तब तक गर्म करेंगे जब तक कि पूरी अच्छे से गर्म ना हो जाए। तब तक हम इसमें 25 ग्राम ये मिर्ची ले लेंगे, सूखे मिर्च। तो हमने इस तरीके से सूखी मिर्च ले ली है और तेल हमारा जब गर्म हो जाएगा तब हमें इसमें मिर्ची फ्राई करनी है। तो तेल अब हमारा लगभग गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें मिर्ची डाल देंगे। मिर्ची को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मिर्ची को लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं करना, वरना मिर्ची जल जाएगी और मिर्ची हमें जलानी नहीं है। हमें मिर्ची को बस ब्राउन करना है, इससे अचार का जो टेस्ट होता है बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, बहुत ज़्यादा इससे स्वाद बढ़ जाता है अचार का। तो मिर्ची हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे और इसी तेल में हम फ्लेम को बंद करके हींग को डाल देंगे। तो हमने मिर्ची सारी निकाल ली है और फ्लेम को ऑफ रखा है। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच हींग डाल देंगे। हींग से भी अचार का टेस्ट हमारा बहुत बढ़ जाता है। जब तक हमारा तेल ठंडा हो रहा है तो हमने मिर्ची को कुछ इस तरीके से क्रश करके पीस लिया है, ज़्यादा महीन नहीं पीसा है। तो अब हम ले लेंगे आम, इसमें हम डाल देंगे पीसी हुई मिर्च जिसे अभी अभी हमने तलकर पीसा है। तो ये कुछ इस तरीके से रहा, थोड़ा दरदरा सा रहेगा। मिर्ची को बिल्कुल महीन नहीं पीसना है, एकदम इस तरीके से ही पीसना है जैसा मैंने पीस रखा है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर मेरा, और जो बाकी का मसाला उसमें भी हल्दी पाउडर है इसलिए मैंने कम ही लिया है। अब ले लेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच। ले लेंगे हम लहसुन, इस तरीके से फाइनली चॉप्ड करके लिया हमने, 1 टेबल स्पून लिया है। तो मैंने इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था ताकि बहुत अच्छे से हो गया। ये मेरी लहसुन की कलियाँ थोड़ी बड़ी बड़ी थी तो मुझे ग्रेट करने में थोड़ी आसानी हुई। तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं नमक। नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा, मैंने 4 बड़े चम्मच नमक यूज़ किया है इसमें। अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही लगता है तो मैंने इसमें 4 बड़े चम्मच यूज़ किया। अगर आपको कम लगता है तो आप कम यूज़ कर सकते हैं, और अगर और ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे हींग वाला तेल, जिसमें हमने मिर्ची तल कर हींग डालकर रखा था ठंडा होने के लिए। तो उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, इससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो जो 1 कप में बचा हुआ कुछ तेल था उसे भी हम इसमें डाल देंगे और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे बहुत हल्के हाथों से मिक्स करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से मिक्स करने के बाद ये दिख रहा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे बाकी के मसाले। तो हमने 1 बड़ा चम्मच लिया है कलौंजी, 1 बड़ा चम्मच हमने लिया है अजवाइन। ले लेंगे हमारा मिक्स मसाला, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी कि अचार का मसाला का किस तरीके से पहले से बनाकर रखा जाता है। तो अजवाइन और मगरेल जो मैंने इसमें यूज़ किया है, जिसे हम कहते हैं कलौंजी, उसका टेस्ट अचार में बहुत अच्छा आता है। मेरे मिक्स मसाले में भी था बट मैंने थोड़ा और ऐड किया। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। इसे हमें धूप में रखना है, करीब 8 से 10 दिन के लिए रख देंगे हम धूप में। तो ये हमारा अचार रेडी टू सर्व हो जाएगा, एकदम आप खा सकते हैं इसे।